असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल मैं अचानक एक बहुत बड़ी एड एजेंसी के एक व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने कहा, भाई कहाँ हो? तो बोले, जी आउट ऑफ कंट्री हैं। मैंने कहा, क्या चल रहा है? बोले, बाबा जी आप ही चल रहे हो। तो सिंगापुर में एक बहुत बड़ी मीट चल रही है एमएनसीज की, सारे उनके सीईओ, सारे उनके डायरेक्टर्स, सारी विज्ञापन कंपनियां इकट्ठे होकर के एक बात पर चिंता कर रही हैं। क्या? तो बोले, ये जो राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है लोगों में, नेशनलिज्म, और उससे विदेशी कंपनियों के प्रति लोगों में घृणा पैदा हो रही है। इसमें बोले थोड़े रूप में तो चाइना में ये काम हो रहा है अभी, नेशनलिज्म की स्पिरिट वाला, और ये ऐसी इमोशनल अपील है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक ऐसी लॉयल्टी है, एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा फेथ है, एक ऐसा लगाव है। सारी चीज़ें तो इमोशनली चलती हैं, मैकेनिकली चीज़ें बहुत थोड़ी चलती हैं। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ में हम जाते हैं तो आदमी जो है ना इमोशंस पर आकर के खड़ा हो जाता है, चाहे फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे किसी देश की नेशनलिटी का प्रश्न हो, या फिर लॉयल्टी का प्रश्न हो। तो बोले चीन में तो ये काम फिर भी थोड़ा धीमे चल रहा है। बोले पतंजलि ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया है कि नेशनलिज्म की ऐसी स्प्रिट दौड़ रही है। बोले सारे जो भी इमोशंस हम डालने की कोशिश करते थे, पाँच पाँच दस दस करोड़ रुपए की फिल्म बना करके, पाँच पाँच दस दस करोड़ की फिल्म बनती है, विज्ञापन फिल्म, क्योंकि पाँच से दस करोड़ तो हीरो हीरोइन ले लेते हैं। यदि शूटिंग देश में होती है तो 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ कम से कम बता रहा हूँ मैं, और वही यदि फिल्म की शूटिंग कहीं आउटसाइड कंट्री हो जाए तो वो फिर 2-2.5 करोड़ रुपए का बजट बन जाता है। तो विदेशी कंपनियाँ 5 करोड़ रुपए से लेकर के 15 करोड़ 20 करोड़ तक की फिल्म बनाती हैं एक प्रोडक्ट की। अब जैसे कोका कोला ने, पेप्सी ने कोई फिल्म बनाई या थम्सअप ने फिल्म बनाई, आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो सलमान खान ने ले लिए होंगे 5 से 10 करोड़ रुपए। तो फिर ऊपर से उस फिल्म की जो शूटिंग हुई है उसमें लग गए होंगे कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए, कम से कम बता रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको एनालिसिस नहीं किया है। लेकिन और फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर मेरा कोई बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं है, लेकिन मुझे एक सामान्य बोध है, और वो बोध क्या है? वो बोध ये है कि सामान्य रूप से मुझे पता है, क्योंकि आज देश की दुनिया की कोई एजेंसी नहीं बची है जिसने आकर के हमको सलाह ना दी हो। यह अलग बात है कि हम सलाह लेते हैं, हम कैंपेन के लिए भी सलाह लेते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी सलाह लेते हैं, हम रिसर्च के लिए भी सलाह लेते हैं। 10% हम सलाहकारों के आधार पर काम करते हैं और 90% भगवान ने जो हमें दिमाग दिया उसके आधार पर काम करते हैं। अच्छा, इन सलाह देने वाले जो आजकल अलग अलग तरह से एडवाइस देने वाले बहुत, इसकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, यदि यही सब कुछ हो जाते तो ये नौकरी क्यों करते हैं? ये खुद ही ना बड़े बड़े ब्रांड बना लेते। इसलिए जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि सारी कंपनियां इस बात के ऊपर अब चिंतन कर रही हैं। बोला हमने पहले तो सोचा था पतंजलि एक बुलबुला है, लेकिन बोले अब तो बोलने लगे पतंजलि बुलबुला नहीं आंधी है। और बोले पहले से कुछ थोड़ा कहीं खूंटा खूंटा गाड़ के यदि तंबू रोक लिए तो ठीक है, ना तो तंबू खड़ने वाले हैं। अब जैसे आंधी आती है ना, बुलबुले आते हैं तो तंबू सहन कर लेता है, लेकिन जब आंधी आती है तो खूंटे सहित तंबू को उखाड़ करके लेके जाती है। और हमें, मैंने तो सुना है और आंखों से देखा भी है, आप लोगों ने भी डिस्कवरी आदि चैनलों पर देखा होगा, जब अमेरिका में और कुछ और दूसरे देश हैं वहाँ हैरिकन्स बोलते हैं, वो जब आते हैं तो पूरे के पूरे मकान उखाड़ देते हैं, तंबू की तो बात छोड़ो। तो पतंजलि के इस स्वदेशी के आंदोलन, स्वदेशी के आंधी से, स्वदेशी की आंधी नहीं, स्वदेशी के इस तूफान से बड़े बड़े तंबू ही नहीं, बड़े
बड़े साम्राज्य उखड़ने वाले हैं, इतना बड़ा आंदोलन है। तो बोले जी ये चिंतन ये चल रहा है कि ये पतंजलि की जो स्वदेशी की स्पिरिट है इसको कैसे डिफीट किया जाए, इसको कैसे कम्पीट किया जाए, बड़ा मुश्किल हो रहा है, हमारे पास में कोई जो है उपाय नहीं सूझ रहा। तो सारे एक साथ बैठ करके सोच रहे हैं, बोले सबकी समस्या है, सब इकट्ठे हो जाओ नहीं तो मरोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही जहाज में बैठो, एक ही साथ डूबोगे, चिंता मत करो। तो खैर है, देखो हम बयान देने के लिए कोई बयान नहीं देते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा होती है हम वही बोलते हैं और वही करते हैं। अभी जैसे मैं एयरपोर्ट से आज उतरा तो उतरते ही टीवी चैनल वाले, एनआई वाले और आज तक वाले कई चैनल वाले खड़े हुए थे, बोले बाबा जी जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हो रहा है क्या कहेंगे। मैंने कहा इसमें क्या कहना है, अभी मोदी जी चीन में गए थे एक सार्क सम्मेलन में कुछ हो रहा था, तो वियतनाम में जाते समय उन्होंने बोला था दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। तो मैंने आज बोला मोदी जी बुद्ध की और युद्ध की साथ साथ बात कीजिए, नहीं तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। बुद्ध भी चाहिए युद्ध भी चाहिए जहां जरूरी है। एक तरफा चिंतन से बात नहीं बनेगी। एक तरफ हमने कहा अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन देश में अहिंसा परमो धर्म की जितनी प्रशंसा होती है उतनी ही वीरत्व की भी प्रशंसा होनी चाहिए। अब मैंने कहा बहुत दिन हो गए बयान देते रहते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैंने कहा अब तो मुंह तोड़ दो जवाब देते हो गए बहुत दिन। मुंह तोड़ जवाब दें, मुंह तोड़ते नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर, हिंदुस्तान का हिस्सा हो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान कब्जा किए बैठा है, एक इतना बड़ा देश और उसका कब्जा कर ले कोई, और भारत जो है ऐसे मिमियाता रहे। ये भारत वीर देश है, भगवान राम कृष्ण का देश है, शिव का देश है, कोटि कोटि ऋषियों का देश है, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, और उस देश में ऐसी कायरता की बातें हो। मैंने कहा अब सब चीजें बाबा जी को सिखाने पड़े हो ठीक नहीं ना, लेकिन हमको सब चीज आता है, हमको झाड़ू लगाना भी आता है और हमको देश चलाना भी आता है, सब काम आने चाहिए आदमी। तो मैं कह रहा था पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी शिविर चल रहे हैं अब उन पर सीधा आक्रमण करना चाहिए और फिर जो होगा, अरे रोज रोज मरने से तो एक दिन का जीना और मरना अच्छा है। रोज रोज हमारे शहीद हो जाते हैं जवान और हम उनको शहीदों को सलाम करके श्रद्धांजलि कर दे करके और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। दरअसल बात क्या है, जितने भी नेता है ना इनका एक का भी बेटा सीमाओं पर नहीं मरता है। जिस दिन किसी नेता का बेटा सीमाओं पर मरेगा उस दिन हिंदुस्तान वीरत्व के अहंकार भरेगा, क्यों उसको पता लगेगा इसका मरने का दर्द क्या होता है। खैर तो मैं बात आपसे कर रहा था स्वदेशी की, तो हड़कंप सब जगह मचा हुआ है और इसलिए मचा हुआ है पतंजलि की यूएसपी क्या है। तो आप ये बात अपने दिमाग में भी नोट कर लो और अपने दिल में भी, अपने डायरी में भी, और यही आज मैं आपको भी बता रहा हूँ और पूरे देश के लोगों को भी बता रहा हूँ कि भाई पतंजलि है क्या। पतंजलि की यूएसपी है, एक तो ये मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है। मल्टी डायमेंशनल ब्रांड इस देश में पतंजलि को छोड़ के कोई नहीं है दूसरा, देसी हो या विदेशी हो। जैसे टाटा एक देसी ब्रांड है, लेकिन टाटा यदि ट्रक बनाता है तो लोग कहते हैं भाई टाटा ट्रक बनाना जानता है। टाटा साल्ट भी लोगों ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन टाटा ट्रक और टाटा साल्ट के अलावा टाटा के मसालों का अभी तक भी घरों में छोंक नहीं लगने लगा। टाटा ने बहुत कोशिश की लेकिन मसाले तक नहीं बेच पाया। ट्रक बेच लिया इतना बड़ा, लेकिन छोटा सा मसाला नहीं बेच पा रहा, क्यों? अरे बोले ट्रक बनाने वालों को मसाले का क्या पता कैसे बनते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई कर नहीं सकता। इस देश में बिरला बहुत बड़ा हाउस है, लेकिन बिरला हो, अंबानी हो,
या और कोई हो, इन सब लोगों को भी फूड में और कॉस्मेटिक में, कुछ लोगों ने कोशिश की, लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ये तो देसी वाले लोगों की बात कर रहा था, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हो नहीं सकता, देसी लोग बढ़ने चाहिए, मेरा तो संकल्प है। अब विदेशियों को ले लो, कोलगेट मैंने कहा टूथपेस्ट के अलावा कुछ नहीं बेच सकता हिंदुस्तान में, और थोड़े दिन में वो भी उसकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि अब पहले तो इन्होंने दांतुन का मतलब, मंजन का मतलब, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट कर दिया था, इतना विज्ञापन किया था और उल्टा विज्ञापन किया था, और वो विज्ञापन आजकल फेसबुक पर ट्विटर पर बहुत चल रहा है कि भाई यही वही कंपनियां हैं जिन्होंने, मैंने उधर से विज्ञापन बोला और लोगों ने अपने आप, दरअसल क्या लोग अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने कहा जिन कंपनियों ने हल्दी, नमक, नीम, इन सब प्राकृतिक तत्वों का मजाक उड़ाया, और वही विदेशी ब्रांड अब जो है कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है। पहले बोलते थे चारकोल लगाओगे, कोयला लगाओगे, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, चारकोल से, हल्दी से और जो है नमक से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अब पूछते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, अरे हमारे तो नमक के बोरे भरे पड़े हैं, नमक ही नमक नहीं। लेकिन इन लोगों ने पहले उल्टा किया, अब कहते हैं अब हम नेचुरल ब्रांड लेकर के आ रहे हैं, अब इन पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, चाहे कोलगेट हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, चाहे क्लोजअप हो, अब ये ब्रांड कोई हैसियत ही नहीं रख रहे। अब हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुबान पर दंत कांति छा गया है, दांत मतलब दंत कांति, और हमने नाम देसी रखा। अब कोलगेट का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता, पेप्सोडेंट का मतलब क्या है, क्लोजअप का मतलब क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, बस नाम रख दिए। हमने कहा दांतों के ऊपर कांति भी आएगी मोती जैसी, तो 100 साल तक तुम्हारे दांत अच्छे रहेंगे, तुम्हारे मसौड़े अच्छे रहेंगे। अब दंत कांति का नाम करोड़ों लोगों की जुबान पर है, और आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो तो 1 सप्ताह में काम हो सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 सप्ताह में अपनी 6 की 6 बीट तैयार कर देता है, 6 बीट से मैक्सिमम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 1 बीट के अंदर 6 बीट्स होती है, 6 के 6 बीट्स पर सब जगह एक एक दुकान पर दंत कांति पहुंचा दे, तो आज इस देश का व्यक्ति सबसे पहले दुकान में जाके पूछता, जब उसको टूथपेस्ट खरीदना होता है क्या दंत कांति है, जब वो दुकानदार बोलता है दंत कांति तो नहीं है जी, क्या बात है, हमारे पास तो आया ही नहीं जी, अभी तक दिया ही नहीं पतंजलि वालों ने, तब वो कहता है फिर कितने दिन उम्मीद है, बोले जी पता नहीं। तो फिर वो मजबूरी में कोलगेट खरीद रहा है, मजबूरी में पेप्सोडेंट खरीद रहा है, मजबूरी में मैं क्लोजअप खरीद रहा है। जिस दिन दंत कांति एक एक दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा, इनकी दुकान ऐसे बंद हो जाएगी। ये इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, लोग मजबूरी में ना मिलने से, क्राइसिस में, अभाव में वो चीज खरीद रहे हैं। तो पतंजलि की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी पहचान क्या है, पतंजलि मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, तो मल्टी डायमेंशनल ब्रांड तो इसलिए है कि पतंजलि का आटा भी है, नमक भी है, घी भी है, तेल भी है, मसाले भी हैं, माने सारे फूड हैं, सब तरह के नेचुरल कॉस्मेटिक हैं, सभी तरह के मेडिसिंस हैं, अब तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं। और भी जैसे ही मैंने कहा, मैंने पेंट वाला कहा, तो विदेशी कंपनियों की बहुतों की तो पेंट ही खराब हो गई, अरे ये क्या हो गया। यदि बाबा जी जो है, हमने कहा कि भाई पहली बात तो आप धोती पहनो, पजामा पहनो, कुर्ता पहनो, और फिर भी यदि किसी को टी शर्ट भी पहननी है तो स्वदेशी पहनो, अरे जीन्स भी पहननी है तो 99% जीन्स जितनी भी हिंदुस्तान में बिक रही है वो हिंदुस्तान का ही कपड़ा है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियाँ, हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो विदेशी ब्रांड के नाम से अब वो चीज़ हिंदुस्तान में नहीं बिकेगी, उसमें बहुत जल्दी ही पतंजलि स्वदेशी जीन्स भी लेकर के आएगा। अब ये बात होते ही हड़कंप मच गया बाजार में। अभी तो मैंने एक बयान दिया था एक अखबार के अंदर, उसके ऊपर अभी तो मैं टीवी पर बयान भी नहीं दे रहा हूँ, सारे चैनल वाले, एक तो अलग अलग चैनल होते हैं, अब सारे चैनलों में एक साथ बात कहनी हो ना तो एक पंचायती चैनल है, उसका नाम है ANI पर बोल दो तो सब जगह, जैसे कहीं एक एक जगह मंदिर से पहले बुलावा दे देते थे ना, तो ये चैनलों का मंदिर है, ये चैनलों की पंचायती चैनल है, इसको दे दो सब जगह पहुंच जाती, PTI जैसे इसको कोई बाइट दे दो तो सब अखबारों को पहुंच जाती है, उसको भी हम नहीं दे रहे अभी तो, लेकिन सब इसमें इतने इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आजकल
थोड़ी थोड़ी जींस तो सभी पहनने लगे, लड़के लड़कियां बहू बेटियां। आजकल तो मुझे आश्चर्य होता है 70 साल की सास भी जींस पहनने लगी, जो कभी धोती सलवार सूट और तमाम चीजें पहना करती थी। पश्चिम बंगाल में लोग साड़ी पहना करते थे, पश्चिम बंगाल की साड़ियां थोड़ी दुनिया में जाती थी। स्वदेशी वेशभूषा को, परिधान को तो हमें महत्व देना ही। खैर, तो पतंजलि का ब्रांड कितना कहाँ किस किस सेक्टर में जाएगा। तो ये जो ब्रांडिंग के जो ज्योतिषी पंडित होते हैं ना, ब्रांडिंग के भी पंडित होते हैं, वो पतंजलि का अनुमान लगाते थे 1 साल पहले। बोले पतंजलि 2-3 साल में 20,000 करोड़ का ब्रांड हो जाएगा, 5 साल में बोल, 2020 तक बोलते थे। तो मैं विजन 2020 आपको अब बताता हूँ। अभी विजन 2020 में पतंजलि फूड में तो होगा ही, फूड का कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कम से कम बता रहा हूँ, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो तेल ही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो डेयरी का ही है, बाकी उसके अंदर आटा और नमक, फिर चावल और फिर आगे शाक सब्जियों में तो अभी हम गए ही नहीं है, दालों में पहुँचे अभी। तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इस देश में फूड का मार्केट है, और कम से कम भी नहीं तो जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए का 2020 तक कॉस्मेटिक का हो जाएगा, और उसमें भी नई चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। 5,000 करोड़ रुपए का तो एलोवेरा जेल बेचेंगे, एलोवेरा जेल का भी पहले तो हरा वाला आता था, अब ये केसर वाला भी आ गया है, और इतना ज़्यादा अब लोग प्रयोग कर रहे हैं। अभी अगले साल तक ये 500 करोड़ का तो अकेला ब्रांड यही हो जाएगा, और विद इन 5 ईयर्स ये सारी दुनिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। और देखना 5 साल में दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल हैं, चाहे वो ऑक्सफर्ड में, चाहे हार्वर्ड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में हैं, जापान में, चीन में, कहीं पर भी हैं, पूरी दुनिया के बिजनेस स्कूलों में सबसे बड़ी स्टडी पतंजलि की स्टडी होगी, आज आपको मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने सोचा था कि 5,000 करोड़ रुपए का अकेला, आज पूरे देश में कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए की ब्यूटी क्रीम बिकती है, गोरेपन की क्रीम हिंदुस्तान में, अकेला 5,000 करोड़ रुपए का एलोवेरा बिकेगा। क्यों बिकेगा, उसके पीछे कारण देता हूं आपको। ये ब्यूटी को बढ़ाता है, ये रिंकल्स पिंपल्स को मिटाता है, ये मॉइस्चराइजिंग करता है, ये डैंड्रफ को भी मिटाता है, अकेला एलोवेरा, और ये तमाम तरह की इचिंग और जितने भी स्किन डिजीज है उनको भी खत्म करता है। तो अभी तो मैंने एक ही तरह का इसका विज्ञापन चलवाया टीवी पर, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाए हैं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, अभी इतना सा ऐड किया 10 सेकंड का, खाली पिंपल्स रिंकल्स और प्राकृतिक सौंदर्य, दो ही चीजों को एड्रेस किया, अभी 3 चीजें तो बाकी हैं, अभी मैं आगे विज्ञापन चलाने वाला हूं। कौन बुढ़ा होना चाहता है, आप में से कोई बुढ़ा होना चाहता है, बोलो, कोई चाहता है उसके चेहरे पर झुर्रियां आए, बोलो, कोई नहीं चाहता। आप में से कितने लोग हैं जो एलोवेरा जेल लगाते हैं, ये तो खुद ही आप लोग ग्राहक भी हो, नीचे कर लो। आप देखो, मैं किसी कंपनी विशेष का, देसी का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि देसी कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हम। मैंने फेयर एंड लवली बनाने वाले, जो हमारे हरिद्वार में भी बहुत बड़ा प्लांट था यूनिलीवर का, अब तो खत्म सा हो गया, वो बहुत बड़ा प्लांट लगाए थे उन्होंने टैक्स बेनिफिट के चक्कर में। मैंने फेयर एंड लवली बनाने वाले प्लांट के लोगों से पूछा, मैंने कहा भैया तुम्हारे अंदर तो कोई भी एक बच्चा है जो ये फेयर एंड लवली लगाता? बोलो बाबा जी एक भी नहीं लगाता। फेयर एंड लवली की कोई भी ट्यूब उसमें काम करने वाली महिला भी नहीं लगाती, और इसका जिसका भी चेहरा थोड़ा रूखा सूखा होता है पहले ही दिन से मॉइस्चराइजिंग काम करने लगता है, और 3 से 7 दिन के अंदर तो 100% मॉइस्चराइजिंग आपको स्किन पर दिखने लगता, ग्लो करने लगती है आपकी चमड़ी। तो लोग लगा रहे थे जो है ग्लो बढ़ाने के लिए, गोल्ड क्रीम और तमाम तरह की क्रीम लोग लगा रहे थे, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूटी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और रेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए, चेहरे की बदसूरती मिटाने के लिए। हमने अभी एक देखो, मैं विदेशों में गया
तो यंगस्टर्स ने, जवान जवान बच्चों ने मेरे को कहा, बोले बाबा जी आपका एक कांति लेप बड़ा जबरदस्त है, अब इसकी ये तो पूरा हमारा एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं। लोग कांति लेप को इस अपना ये तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। पतंजलि का गुलाब जल भी मिलता है, लोगों को पता नहीं है। डाबर ने एक ब्रांड खड़ा किया था गुलाब जल का। अब ये गुलाब जल अपना उसको ऑर्गेनाइज मार्केट में नहीं चलता था, घरों में तो प्रयोग होता था। ये गुलाब जल भी अपना 500 करोड़ का ब्रांड होने वाला है थोड़े दिनों में। ये तो आप उपलब्ध तो कराओ। ये गुलाब जल में कांति लेप लगा करके मिला करके लोग लगाते थे। अभी मैं कहता हूँ इसको एलोवेरा जेल में मिला के लगा लो, कच्चे दूध में मिला के लगा लो, जो है आप शहद में मिला के लगा लो, या पपीते की लुगदी में पपीते का पल्प बना के लगा लो, पके हुए केले का पल्प बना करके लगा लो, चेहरा एकदम क्लीन हो जाता 100%। अब बताओ, अब ये कांति लेप हम चाहें तो इसको भी 500 करोड़ रुपए का ब्रांड बना सकते हैं, अकेले कांति लेप को, जो अभी अपने पतंजलि चिकित्सालयों में मिलता, ओपन मार्केट में तो मिलता भी नहीं है, इतना ज़बरदस्त है ये। और यंगस्टर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र में लगभग लगभग 99% बेटा और बेटियों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और वो इतनी बेकार होती है, उसमें चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इससे ठीक हो जाता है, इसमें सारे जितनी भी जड़ी बूटियां डाली हुई हैं पूरी लिखी हुई हैं, कोई भी घर में बना के लगाओ। मैं तो घरेलू उपचार बताता था, अभी बताता हूँ। अभी आप देखिए आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले एम्स है, अपोलो है, पीजीआई है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, गिलोय का विरोध करते थे। अब डॉक्टर सारे गिलोय पी रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर वो गिलोय पी रहे हैं। अरे बोले बाबा जी ने बताया था तो गिलोय पिएगा, उसको डेंगू चिकनगुनिया नहीं होगा, अपने आप तो पी लो, बाकी फिर उसके बाद में उन मरीजों को देखने के लिए जाएंगे। ये आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। पहले डॉक्टर्स मना कर देते थे हॉस्पिटल के अंदर कोई गिलोय का रस पिलाए, अब डॉक्टर बोलते हैं ना गिलोय पिला दो, नहीं तो ये मर जाएगा पेशेंट, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, ये हमारा जो है जयसवाल बैठा है, इसके लड़के को प्लेटलेट आ गया था, कितना आ गया था, 15-20 हज़ार पर आ गया था, उसको डेंगू नहीं हुआ था ऐसे ही, और वो लड़का भी अब कितना है उसका, अब 2.5-3 लाख हो गया है, 15-20 हज़ार पर आ गया था ऐसे, बिना डेंगू के भी कम हो गया था। ये प्लेटलेट कम होना बहुत बड़ी बीमारी है। अभी तो हमने आंवला एलोवेरा को ही बढ़ाया, अभी गिलोय भी हम पूरे देश में इतने लगवा रहे हैं, आगे गिलोय गिलोय इस देश में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए से गिलोय का ब्रांड होगा अगले साल तक। तो पतंजलि क्या है, मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है। दूसरा, पतंजलि के सबसे बड़ी विशेषता है, उस पतंजलि के ब्रांड में इमोशनल अटैचमेंट है लोगों का। कोई भी ब्रांड दुनिया में तभी बड़ा बनता है जब लोगों की उसके ब्रांड के प्रति लॉयल्टी हो जाती है, लॉयल्टी। तो पतंजलि के प्रति लोगों की लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है। पतंजलि है तो शुद्ध है, पतंजलि है तो सेफ है, सेफ है, प्योर है, हेल्दी है, अपना है, अपने देश का है। ये ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। ये ट्रस्ट पैदा करने के लिए आदमी को, एक एक ब्रांड को ये ट्रस्ट पैदा करने के लिए 100-100 साल हो जाते हैं, 200-200 साल हो जाते हैं, फिर भी ये ट्रस्ट पैदा नहीं होता। क्यों? उन ब्रांडों के पीछे कोई ऐसा चरित्रवान चेहरा नहीं दिखता, चरित्रवान चेहरा नहीं दिखता। पतंजलि के पीछे उनको बाबा रामदेव दिखाई देता है, पतंजलि के पीछे उनको आचार्य बालकृष्ण दिखाई देता है, पतंजलि के पीछे इस देश की लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति उनको दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी संस्कृति, बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ा विश्वास उनको दिखाई देता है। पतंजलि उसके पीछे खड़े हैं, एक सन्यासी, एक योगी, और वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, वो धोखा नहीं कर सकते। ये लोगों में कॉन्फिडेंस है। लक्स के पीछे कोई चेहरा है? जो भी चेहरे हैं वो पैसे दे करके आते हैं। लाइफ बॉय के पीछे कोई चेहरा है? डॉ के पीछे कोई चेहरा है? जो भी चेहरा दिखाते हैं वो 5-10 करोड़ रुपये चेहरा दिखा के लेके चले जाते हैं, कोई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये है पतंजलि का ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑफ पतंजलि, लॉयल्टी, फेथ, आस्था, विश्वास, भरोसा।
ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथ, भरोसा, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है आज देश में। लॉयल्टी, ट्रस्ट, भरोसा, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है इस देश में, पॉलिटिकली, सोशली, इंडिविजुअली। व्यक्ति व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया है, ऐसे में उनको लगता है नहीं बाबा हम हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, ये सन्यासी हैं, देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, ये हमारे साथ में कोई विश्वासघात नहीं कर सकते, छल नहीं कर सकते। ये है पतंजलि की बहुत बड़ी ताकत। तो आप लोगों को भी जब बात करो तो पतंजलि की इस बात को सबसे आगे रखो, तो देखो कैसे लोग खड़े होते हैं पतंजलि के साथ। ये चीज़ें दरअसल क्या होती, चीज़ें होती तो हैं, उनको आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग में समेटना भी आना चाहिए, और जो सत्य है उसको अभिव्यक्ति देने की शक्ति भी आपके अंदर होना चाहिए, अभिव्यक्ति देने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए, कौशल भी होना चाहिए आपके भीतर। तीसरी बात, पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, ये ताकत तो किसी में नहीं है। वैसे सबसे पहली बात है, मैंने तीसरे नंबर पर लिखवाई है, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी विदेशी कंपनी के साथ। हो सकता है मल्टी डायमेंशनल ब्रांड कोई बना ले 100-200 सालों में, वैसे मुश्किल होता है, हो सकता है ट्रस्ट भी कुछ लोग पैदा कर लें कुछ जुगाड़ तिकड़म करके, कुछ लोग ना इमोशनली ये फिल्म बना बनू करके। फिल्म इंडस्ट्री वाले ने 4 महीने पहले मेरे ऊपर एक कमेंट किया था, बोले बाबा जी जो है ज्ञान पर आधारित विज्ञापन कर रहे हैं, जानकारियों पर आधारित, नॉलेज पर, और हेल्थ और जो है ऐसे क्या कहते हैं ये जो है ना हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसके आधार पर जो विज्ञापन कर रहे हैं थोड़े दिन तो अच्छे लगेंगे, बाद में बाबा फेल हो जाएंगे। अब वो बेचारे उनसे अब दोबारा किसी ने पूछा आप क्या कहोगे, हम बोले नहीं हम ही फेल हो गए, हमने परंपरा ही बदल दी है। विज्ञापनों में अश्लीलता की जगह नॉलेज बेस्ड, रिसर्च बेस्ड विज्ञापन हमने चालू करवा दिए, अब कर लो क्या करोगे।